फ्रेंड्स फैमिली, जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा कि मैं सेंटोरिनी के व्लॉग डालने लगूं, और ये बात बिल्कुल सच है। अगर आपने सेंटोरिनी देखना है या जानना की ये जगह कैसी है तो ये व्लॉग पूरा देखिएगा एंड तक। पहले जो चीज आप देखते हैं एक होटल रूम में उसका होता है टॉयलेट, तो एकदम गार जैसा टॉयलेट बनाया हुआ है और मेरी आवाज भी गूंजती है और बाकी चीजें देखते हैं दिया क्या क्या है। एक मेरा पर्स जो मैं खुद लेकर आया हूँ और टूथपेस्ट सनस्क्रीन, और ये जो आप समझ रहे हैं ये वो नहीं है, ये मेरा फेस वॉश है। दरवाजा खोलते साथ ही आपके सामने एक टेबल सजी हो और उसके ऊपर फुल ऑन ब्रेकफास्ट रखा हो तो क्या ही बात है। आमलेट, दही, कॉर्न फ्लेक, बहुत सारी ब्रेड्स और ऑरेंज। मैं ना स्विमिंग पूल में जा रहा हूँ बहुत ठंडा पानी है, अल्लाह दी कसम है, तो नहाते हैं। ओए बहुत ठंडा पानी है यार, बस नहा लिया, चलो और चले। गाइस दिल तो कह रहा है रंग मार दो ना, फिर देखो कि यार ये तो बहुत गहरा है, ये कोई 8 फीट गहरा है यार, इतना सा स्विमिंग पूल है बट बहुत गहरा था। तो मैं कहा भाई खली वली जितना नहाना था नहा लिया। फिर थोड़ी सी की बगैर सूरज के सनबेथिंग, फिर ये जो नान नुमा ब्रेड के साथ मैंने बटर खाया जो कि बहुत ही ज्यादा मजे का था। इसी के साथ सेंटोरिनी में हुई रात और अब आपको कुछ रात के मनाजर दिखे। दूसरे दिन का आगाज उसी मजेदार ब्रेकफास्ट के साथ। जब भी आप ग्रीस आए ना तो लाजमी बात आप उनकी फ्रोयो यानी कि फ्रोजन योगर्ट खाएं विद सम चॉकलेट हेज़लनट फ्रूट्स पोमेग्रेनेट चेरीज मैंगो एप्पल स्ट्रॉबेरी। और जब ये आपके मुंह के अंदर ऐसे घुल जाए ना, हाय हाय हाय, गाइज आपको लग रहा है कि मैं आपको विंडोज का वॉलपेपर दिखा रहा हूँ बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं खुद इसके अंदर हूँ। कैसा लगा? अच्छा नहीं दिया गाइज, खुद को इतना ऊपर कर लो कि जिन गानों को आप बेचते थे अपनी क्रश को, आज उसी गानों की लोकेशन पे आप हो, क्या ही बात है, क्या ही बात। मैं बिल्कुल हेरा फेरी वाले अक्षय कुमार की तरह पोज देते हुए साथ ही में एक मजेदार म्यूजिक एंजॉय करते हुए, और फिर चाचा जी ने शुरू किया अपना मशहूर कथक। एक कैफ़े है कॉर्नर पे, इधर ही कहीं करके, इधर करके कैफ़े है वो, वहाँ पे आप लाजमी जाएँ, दो साढ़े ढाई की यूरो की आइसक्रीम है, वहाँ पे बैठे साथ साथ आइसक्रीम खाएं साथ साथ, मतलब महंगी चीज़ें भी हैं बट ढाई यूरो इज़ द चीपेस्ट थिंग, वहाँ पे बैठे साथ साथ वक्त काटें। फिर मतलब कि आप वहाँ एंड से शुरू होते हैं, आप सीधा यहाँ पर नहीं आते, सो यहाँ पर आपको टाइम लगेगा आने में कोई 20 मिनट, बट चढ़ाई उतराइए। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात, शूज़ अपने इतना लाइट और कंफर्टेबल पहने,
ठीक है, हील्स ना पहने मोहतरमा, सीधी चप्पलें नहीं, तोबा तोबा तोबा, अच्छे नाइकी के शूज़ या एडिडास के या कोई भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो और जिसमें आप मतलब डायरेक्ट क्रिकेट वाले शूज़ ले आओ यार, यहाँ पे फैशन वूशन कोई नहीं देखता, अपने कंफर्ट के लिए बेहतरीन शूज़ पहन के ऊपर बेशक आप धोती पहन के आ जाए मसला ही कोई नहीं, बट शूज़ कंफर्टेबल पहन के, क्योंकि यहाँ पे आपके ना ये आपने वो ऊपर नीचे होना है, तो फिर ना कहिएगा शिराज भाई बताया नहीं। हाय 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 हाय, क्या भाई क्या ही बात है, क्या ही बात है। थोड़ा सा रिस्क की जगह पे बैठा हूँ कि गलती से, ये देखे ना मैं भी रिस्क में लेने आ गई है, बट हमें क्या, ये लोग थड़ियों पे बैठे हुए भाई, किसी से काम है डेरिंग डेरिंग फेफड़ों के अंदर है हमारे, सांस के साथ डेरिंग बाहर निकालते, सांस के साथ डेरिंग अंदर ले। अच्छा दिन होना या ईद हो या कुछ हो तो ये पिंपले आ जाते हैं यार, ये मुझे जहर लगते हैं, जहर लग पूरे स्किन, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये दिल तराशा, बट करे भाई आप सारी बातें छोड़े, आए अभी तो और नीचे जाएगा सूरज मियाँ। सेंटोरिनी की अल मशहूर ईया की सनसेट, लाइक इतने लोग आते हैं इसको देखने, अभी तो ऑफ सीजन चल रहा है तो इतने कम लोग हैं, सोचें अगर ज़्यादा हो ऑन सीजन हो तो यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं है, तो दिस इज द फेमस ये मेरे नीचे भी शूट हो रहा है, दुल्हा दुल्हन का है, फुल ऑन मौजें चल रही हैं और फुल ऑन जोड़े आए हुए हैं, फुल ऑन मजा मारा मजा मा, फुल ऑन चेक करें ना, सूरज हुआ मध्यम चांद चलने लगा, क्या कहता हूँ। तो रीनी के घरों की सबसे खूबसूरत बात पता क्या है, जब रात को हल्की हल्की ये जो छोटी छोटी मोमबत्तियों जैसी लाइटें ऑन करते हैं, आए आए काला कुकड़ बने रे दे ब्रो, ये हो गया रात का टाइम, ऑलमोस्ट शाम का है, रात नहीं, अभी तो अंधेरा नहीं हुआ, बट ये आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता दिखाता जाता हूँ कि क्या माहौल हो गया यार, एकदम पूरा नक्शा बदल गया भाई, ये देख रहे हैं देख रहे, इतना खूबसूरत कैसे कोई हो सकता है। अंधेरा होते साथ ही मैं तो निकल गया भाई, भजो 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 भजो, और किसी से मैंने हिचहाइक करके उसकी बगी के पीछे बैठ गया है, लाइक एडवेंचर हो तो ऐसा, वो तो मजे की बात है कि किसी पुलिस वाले ने हमें रोका ही नहीं। गाइस तो फिर आखिरी दिन आज शुरू हो गया और साथ हो गरम गरम चाय दिखाओ, आए 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 बहुत बहुत सफ़ेद है, मैं समझ रहा हूँ, तो साथ आप व्यू देखें, साथ साथ होटल से हम चेकआउट करते हैं और बाकी का फेरा सर फेरा दिखाते हैं आपको। अपने होटल जो कि चिक होटल, इसको इसको प्रोनाउंस करते हैं शिक होटल, इसको खैरबाद करते हुए अपनी अगली मंजिल जो कि सरफिरा उधर ट्रैवल करते हुए चलते हैं, और ये आप देखें मेरा बैक साइड व्यू, आए हाय हाय। अच्छा एक बात बता दूँ, चढ़ाई बहुत होती है, एक तो इधर जब वाई या स्कल्पचर देख रहे हैं ना, ये बेसिकली सेंटोरिनी का मैप है। तौबा 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 तौबा, आखिरी दफा अपने होटल का बैक व्यू देखते हुए। गैस फेरा के अंदर ना आपको पब्लिक सिटिंग बहुत मुश्किल मिलती है और ऐसे व्यूज पे तो खास तौर पे बहुत कम मिलती है, तो इस तरह की जगह पे आने के लिए ना आपको, मैं आपको बताता हूँ कैसे है, मैं आपको प्रॉपर ना नीचे कमेंट के अंदर लिख दूंगा कि ऐसी जगह पे कैसा है जहाँ पे आप मज़े से वहाँ पे बेंच पे बैठ के ये नज़ारा इंजॉय कर सके, वरना तो पब्लिक सिटिंग इतनी कोई कॉमन नहीं है। व्यू के साथ लोग यहाँ पे ताले भी जो बांधते हैं, मुझे समझ नहीं आती ये तालों के साथ, अगर तालों पे जंग लग गया तो फिर लाइक रिश्तों पे भी जंग लग जाता है, अजीब यार, बट ठीक है हमारे पास ना कोई है ना कोई ताला, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप आएँ किसी पराए मुल्क और उधर के सुवीनियर्स ने लिए तो क्या ही बात ही नहीं करनी, ये मैंने अभी इस भाई से लिया यार, ये शर्ट के अंदर ही ब्लेंड हो गया, ये चेक करें ज़रा भाई का है, बिल्कुल ही चौकस, मैं ये आँख डेले वाले पसंद तो किए बट मुझे पसंद नहीं आए क्योंकि पता नहीं आ रहा है दज्जाली आँख ही ना, यू नो वरना दज्जाल आ जाएगा, दज्जाल को नहीं ना बुलाना अभी तक आया नहीं। गाइस ये दूसरी दफ़ा है मैं फ्रोज़न योगर्ट खाने आया हूँ, तो अगर आप आए हैं ना ग्रीस और फ्रोज़न योगर्ट नहीं खाई तो आपने कुछ नहीं खाया लाजमी, फ्रोज़न योगर्ट फाइनली बहुत थोड़ी सी डाली है बट मेरे लिए इनफ है क्योंकि इन्होंने जान के कप्स बड़े रखे हुए हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डालें।
ये इनके मशहूर ग्रीक स्कल्पचर्स। बात की समझ नहीं आती इनको कपड़े क्यों नहीं पहनाते, इनको ठंड नहीं लगती। पर ठीक है, आर्ट है, आर्ट कैसी भी दिखाया जा सकता है। अरब कंट्री से यहाँ पे आएंगे ना तो आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई फुटपाथ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। लाइक सड़क के दरमियान में आप चल सकते हैं। लाइक मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा, कोई ठोक के चला जाएगा फिर ना कहना आयुष राज ने कहा था। आप एक ट्रॉपिकल जगह पे आओ और शीशा ना पियो, बिल्कुल भी नहीं पी रहा। इट्स वेरी बैड फॉर योर हेल्थ, इट्स इंजरियस टू योर हेल्थ। कोई नहीं, गुड ड्रम एंड आई विल प्ले माय म्यूजिक। या आई डोंट नो, आई एम शिट इन दिस बट बहुत ज़्यादा लग रही है। तो गर्मी के साथ साथ आए हाँ गर्मी बहुत चढ़ गई यार। इस सब के साथ मैंने सेंटोरिनी को कहा खैरबाद और वापसी की तरफ रवाना। अब आते हैं हम अपने बजट की तरफ। सेंटोरिनी के हल्के से कमरे का किराया था 120 से 130 यूरो। ये मैं बिल्कुल स्टैंडर्ड रेट बता रहा हूँ। अगर आप यूके से फ्लाई कर रहे हैं तो आपको 40 से 50 पाउंड की टिकट मिल जानी चाहिए, बट ये बहुत ही मैंने आपको बताया। खाना पीना बस रीजनेबल था, ना ज़्यादा महंगा ना ज़्यादा कम। तो बाकी जो इधर उधर की चीज़ें थी, बस बहुत चीप थी और जितनी जो कन्वीनियंस स्टोर था वो भी बहुत चीप था। तो 3 दिन के स्टे पर मुझे पड़ गया 250 pounds, विच मेक्स लाइक 50,000 पाकिस्तानी रुपीज़। या मैं फिर से लगता सेंटोरिनी के अंदर गुम हो गया। तो अगर आपको ऐसा कॉन्टेंट और ऐसी व्लॉगिंग पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नीचे लाल वाले बटन को ठुड्डा मारें, ये कुछ करें, सब्सक्राइब टू माई चैनल टू वॉच मोर व्लॉग्स लाइक दैट।